हेलो दोस्तों, नमस्कार। अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है अरुणाचल पर। अमेरिका ने निकाली चीन की हेकड़ी। जी हां, भारत के समर्थन में उतरी जो बाइडेन सरकार। जी हां, कहा एलएसी को पार किया तो अंजाम होगा बुरा। जी हां दोस्तों, बताएंगे। भारत के समर्थन में बोला अमेरिका ने चाइना को बड़ी धमकी दी है। साथ ही साथ आपको ये भी बताएंगे, अमेरिका के बयान के बाद चीन ने भी बयानों से रिटेलिएट करा है। चीन ने क्या कहा वो भी आपको सुनवाएंगे। साथ साथ बड़ी खबर बताएंगे, जहां तालिबानी हमले के बाद बोरा गया पाकिस्तान सेना के कैप्टन और लेफ्टिनेंट को कर दिया बर्खास्त। जी हां, देश से निकाला बाहर। साथ ही आपको बताएंगे, रमजान में सऊदी अरबिया से खैरात मांगने पहुंचे थे पाकिस्तानी आर्मी चीफ, चंदा प्लान का हुआ सबसे बड़ा खुलासा। आप भी जानकर कहेंगे हमें तो पहले से ही अंदाजा था। साथ ही साथ दिल्ली हाईकोर्ट से केजरीवाल को लगा है तगड़ा झटका, क्या गिरफ्तार होंगे केजरीवाल, सारी जानकारियां बताएंगे। बस आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। खबरों में आगे बढ़ने से पहले, देश भारत का और भारतीय सेना का पुरजोर समर्थन करते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद कहना मत भूलिएगा। बात करें पहली बड़ी खबर की, जहां अरुणाचल प्रदेश पर अमेरिका ने निकाली चीन की हेकड़ी। भारत के समर्थन में उतरी बाइडेन सरकार, दिया करारा जवाब। बता दे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 मार्च 2024 को देश की जनता को सेला टनल समर्पित किया था। पूरा हिंदुस्तान, पूरा विश्व ये अच्छे से जानता है। ये सुरंग समुद्र तल से 13,000 की ऊंचाई पर अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। इस टनल के सेवा में आने से किसी भी मौसम में तवांग आना और जाना बेहद आसान हो जाएगा। दोस्तों, ऑल वेदर रोड कनेक्टिविटी स्थापित होने के बाद अब चीन की सीमा से लगते तवांग में किसी भी मौसम में जाना संभव हो गया है। बता दें कि बारिश या फिर सर्दी में तवांग जाना काफी कठिन हो जाता है, सड़क संपर्क पूरी तरह से टूट जाता है। चीन को अरुणाचल का विकास फूटी आंख नहीं सुहा रहा। प्रधानमंत्री मोदी के दौरे से बौखलाए चीन ने अरुणाचल प्रदेश पर वही पुराना राग अपना शुरू कर दिया है। अब अमेरिका ने भी बीजिंग को जोरदार तमाचा जड़ा है। जो बाइडेन सरकार ने कहा कि अरुणाचल प्रदेश भारत का हिस्सा है और चीन की ओर से वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी एलएसी पर किसी भी तरह की एक तरफा कार्यवाही का वॉशिंगटन पुरजोर तरीके से विरोध करेगा। जी हां, अमेरिका ने अरुणाचल प्रदेश को भारत के अभिन्न हिस्से के तौर पर मान्यता दी है। साथ ही वास्तविक नियंत्रण रेखा पर चीन की ओर से किए जाने वाले किसी भी तरह के अतिक्रमण या अन्य तरह की गतिविधियों का पुरजोर विरोध किया है। बता दें कि अमेरिका यह रुख ऐसे समय सामने आया है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अरुणाचल प्रदेश दौरे के बाद चीन की सेना ने इसे अपने देश का हिस्सा बताया था। अब ऐसे में अमेरिका जो भारत के साथ उतर कर आया है सामने और भारत का जो समर्थन किया है, ये बात चीन को नहीं पच रही। अब उसने भी रिटेलिएट किया है, जवाब दिया है, वो आपको बताते हैं। चीन ने अमेरिका के अरुणाचल प्रदेश को भारत का हिस्सा बताने पर कड़ी आपत्ति जताई है। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता लिन जियान ने कहा कि वो अमेरिकी विदेश विभाग के जंगनान क्षेत्र को भारतीय क्षेत्र बताए जाने के जवाब में कड़ा असंतोष व्यक्त करता है। चीन तिब्बत पर कब्जा करने के बाद से अरुणाचल प्रदेश को जंगनान के नाम से बुलाता है। चीनी प्रवक्ता ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि चीन और भारत के बीच सीमा मुद्दों का अमेरिका से कोई लेना देना नहीं है, यानी कि चीन चाहता है कि यह मुद्दा भारत और चाइना के बीच में है तो अमेरिका को इसमें नहीं आना चाहिए, इंटरवेंट नहीं करना चाहिए बीच में आकर अमेरिका को, और इसीलिए बौखलाते हुए अमेरिका के बयान पर तुरंत रिटेलिएट करा है चाइना ने, जो कि एक बहुत बड़ी उसकी बौखलाहट को दर्शाता है कि कैसे अरुणाचल वाले मुद्दे पर चाइना को तगड़ी मिर्ची लगती। जबकि रियलिटी दोस्तों यही है कि अरुणाचल प्रदेश भारत का हिस्सा था, है और रहेगा। ऐसे में आप लोग भी पहली बात तो अमेरिका को थैंक यू जरूर कहिएगा और साथ में चाइना को ये बात कमेंट में लिखकर कहिएगा कि अरुणाचल भारत का था, है और हमेशा रहेगा। साथ ही साथ अगली खबर बता दें, तालिबानी हमले के बाद बोरा गया पाकिस्तान सेना के कैप्टन और लेफ्टिनेंट को किया बर्खास्त, देश से निकाला। जी हां, पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने मंगलवार को डॉन न्यूज टीवी से बातचीत के दौरान एक बहुत बड़ा खुलासा करते हुए बताया है कि मैंने 2 या 3 फाइल पर हस्ताक्षर किए थे, जिसके बाद सेना के 2 अधिकारी को बर्खास्त कर दिया गया था। जिन 2 सेना के अधिकारियों को बर्खास्त किया गया उनका रिश्ता अफगानिस्तान से बताया गया। यह खुलासा अफगानिस्तान में पाकिस्तानी वायुसेना की एयर स्ट्राइक के बाद हुआ है। इस एयर स्ट्राइक को लेकर दोनों देशों में तनाव जबरदस्त देखने को मिला है। पाकिस्तान के इस हवाई हमले में 8 अफगानी महिलाओं और बच्चों की मौत हो गई, जबकि पाकिस्तान का दावा है कि उसने आतंकवादियों को मौत के घाट उतारा है, लेकिन अफगानिस्तान मानने को यह तैयार नहीं है। तो वहीं आपको बता दें, इस मुद्दे पर भी दोस्तों अमेरिका सामने आया है। पाकिस्तान आतंकवाद के भयानक खतरे का सामना कर रहा है। अमेरिकी सांसदों से डोनाल्ड लू का सबसे बड़ा बयान, जी हां, बाइडेन प्रशासन के एक शीर्ष अधिकारी ने पाकिस्तान में आतंकवाद का खतरा बढ़ने को लेकर चिंता जताई है। वहीं एक अमेरिकी सांसद ने अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि से कार्रवाई की मांग करते हुए आरोप लगाया है कि भारत से आयातित झींगा बंधुआ मजदूरी पर निर्भर है और यह स्वास्थ्य के लिए सही नहीं है। सदन में बुधवार को पाकिस्तानी चुनावों पर सुनवाई हो रही थी, इस दौरान दक्षिण एवं मध्य एशिया के लिए सहायक
सहायक विदेश मंत्री डोनाल्ड लू ने सदन की विदेश मामलों की समिति के सदस्यों को बताया कि पाकिस्तान आतंकवाद के भयानक खतरे का सामना कर रहा है क्योंकि अफगानिस्तान के साथ उसकी सीमा से लगे इलाकों में आतंकवादी गतिविधियों में कई गुना वृद्धि हुई है। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान में 40 साल से संघर्ष जारी है, इसमें पाकिस्तान फंस कर रह गया है। लेकिन दोस्तों ऐसे में गौर करने वाली बात यह है कि पाकिस्तान जो कि आतंकवादियों का आका है, आतंकवादियों को पालता है, आज तक पाकिस्तान में जो लोग रोटी खा रहे हैं वो भी आतंकवादियों के बल पर दूसरे देशों में हमले करवा करके पैसा लेकर के आतंकवादी पाकिस्तान को चला रहे हैं, ये पूरी दुनिया जानती है। और आज जब पाकिस्तान में हमले हो रहे हैं तो अमेरिका भी कह रहा है कि पाकिस्तान आतंकवादियों से ग्रसित है, आतंकवादियों के भयानक खतरों का सामना कर रहा है। आखिर ये आतंकवादी आए कहां से, इनका कर्ता धर्ता कौन है, इस बात पर गौर बिल्कुल नहीं किया जा रहा। क्या कहीं पाकिस्तान इसके पीछे कोई बड़ी चाल तो नहीं चल रहा कि वो लगातार हमलों को बता करके अपने आप को आतंकियों से पीड़ित दिखाना चाहता है, पूरी दुनिया में ऐसा दिखाना चाहता है कि वो भी आतंकवादियों से पीड़ित है, जबकि आतंकवादी भी वही पालता है। बहरहाल इस पर गौर करिएगा दोस्तों, और गौर करने के बाद जो आपको समझ में आए कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा, आपके एक एक कमेंट को हम पढ़ेंगे। साथ ही साथ अगली खबर की बात करें, जहां पश्चिम एशिया के दौरे पर सऊदी अरबिया पहुंचे एंटनी ब्लिंकन, इजराइल हमास युद्ध शुरू होने के बाद छठा उनका दौरा। जी हां, अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन एक बार फिर पश्चिम एशिया के दौरे पर हैं। अपने दौरे के तहत अमेरिकी विदेश मंत्री बुधवार को सऊदी अरबिया पहुंचे। एंटनी ब्लिंकन सऊदी अरब सरकार के साथ इजराइल हमास के बीच युद्ध विराम के मुद्दे पर चर्चा करेंगे। साथ ही अमेरिका का कोशिश है कि इजराइल हमास युद्ध अरब क्षेत्र में फैलने ना पाए। अमेरिकी विदेश मंत्री सऊदी अरबिया के बाद गुरुवार को मिस्र के दौरे पर भी जाएंगे और वहां के शीर्ष नेतृत्व से मुलाकात करेंगे। अमेरिका के विदेश मंत्रालय ने बताया कि एंटनी ब्लिंकन इजराइल का दौरा भी करेंगे और इजरायली सरकार के साथ बंधकों की रिहाई के प्रयासों पर भी बात करेंगे। साथ ही ब्लिंकन गाजा में मानवीय मदद पहुंचाने के प्रयासों पर भी बातचीत करेंगे। जी हां, इजराइल हमास युद्ध शुरू होने के बाद से अमेरिकी विदेश मंत्री का पश्चिम एशिया का यह छठवां दौरा है। साथ ही साथ आपको ये भी बड़ी खबर बता दें, रमजान में सऊदी अरबिया से खैरात मांगने पहुंचे थे पाकिस्तान आर्मी चीफ, चंदा प्लान का बहुत बड़ा खुलासा, शहबाज भी कतार में। जी हां, कंगाल पाकिस्तान की हालत अब इतनी खराब हो गई है कि IMF के लोन से भी उसका काम नहीं चल रहा है। यही वजह है कि रमजान के पवित्र महीने में अचानक से पाकिस्तानी आर्मी चीफ जनरल असीम मुनीर सऊदी अरबिया के दौरे पर पहुंच गए। सऊदी अरब और पाकिस्तान ने एक बयान जारी करके कहा है कि इस दौरे का मकसद रक्षा सहयोग बढ़ाना था। हालांकि अब पाकिस्तानी मीडिया ने खुलासा किया है कि इस दौरे का असली उद्देश्य क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से पाकिस्तान कंगाल पाकिस्तान के लिए पैसे मांगना था। बताया जा रहा है कि जल्द ही पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ भी सऊदी अरबिया के दौरे पर जा रहे हैं ताकि पैसे के लिए गुहार लगाई जा सके। सऊदी अरबिया से जारी बयान में कहा गया है कि क्राउन प्रिंस ने बुधवार को पाकिस्तान को भरोसा दिया है कि वो द्विपक्षीय रिश्तों को मजबूत करना चाहते हैं। पाकिस्तानी सेना ने एक बयान में कहा है कि सऊदी प्रिंस ने कहा कि सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच ऐतिहासिक भाईचारे वाला मजबूत रिश्ता है, दोनों ही देश हमेशा एक दूसरे के लिए खड़े रहते हैं। जी हां, तो वहीं आपको बता दें, जहां पाकिस्तानियों ने अपनों को जमकर कोसा निकाली भड़ास, UAE क्यों नहीं दे रहा है वीजा इस मुद्दे पर। जी हां, क्योंकि पाकिस्तानी मांगते हैं भीख। दरअसल पाकिस्तान सुबह शाम इस्लाम के नाम पर खाड़ी देशों से अपना रिश्ता जोड़ता रहता है, लेकिन पाकिस्तानियों की हरकतें ऐसी हैं कि मिडल ईस्ट में देश इनके साथ सिर्फ मजबूरी में संबंध रखते हैं। UAE जैसे देश जिनकी अर्थव्यवस्था पर्यटन की ओर बढ़ रही है, वो भी पाकिस्तानियों का स्वागत करने को तैयार नहीं है। ऐसी रिपोर्ट्स हैं कि UAE पाकिस्तान के कुछ शहरों के लोगों को वीजा नहीं दे रहा है, इसकी सीधे पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन पाकिस्तानी ये मान रहे हैं। पाकिस्तान के लोगों से जब यूट्यूबर सुहेब चौधरी ने बात की तो उन्होंने कहा कि वो अपने देश का नाम लेने से भी डरते हैं। दुबई में रहने वाले अली नाम के एक शख्स से जब पूछा गया कि भारत पाकिस्तानी और नेपाली आखिर UAE में कैसे रहते हैं, इस पर उसने कहा कि मुस्लिम देश होने के कारण हम कह सकते हैं कि भारतीयों को कि यहाँ से निकलो, लेकिन हम वहाँ कुछ नहीं कह सकते क्योंकि UAE कहता है कि जो भी करना हो वो अपने देश में करो। इस शख्स ने आगे कहा कि हमारे कई पाकिस्तानियों ने देश का नाम इतना खराब किया हुआ है कि UAE ने वीजा तक बंद कर दिया है। जी हाँ, उसने कहा कि बहुत अंतर नजर आता है क्योंकि हम लोग लालची हैं। दोस्तों अली से पूछा गया था कि भारत और पाकिस्तान के पासपोर्ट में क्या अंतर नजर आता है, तो उसने कहा बहुत अंतर नजर आता है क्योंकि हम लोग लालची हैं। वहीं एक अन्य शख्स ने कहा भारतीय आपस में एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। वहीं जब उससे पूछा गया कि पाकिस्तानियों का सम्मान एक मुस्लिम देश क्यों नहीं करता, इस पर उस शख्स ने कहा कि पाकिस्तानी UAE में जाकर हाथ फैलाते हैं, भीख मांगते हैं, पाकिस्तानी बैंक से कर्ज लेकर और फ्रॉड करके वापस चले आते हैं। इस शख्स ने यह भी दावा किया है कि 98% यानी 98% पाकिस्तानी डिफॉल्टर है। ये बहुत बड़ा खुलासा हुआ है दोस्तों जो हम आपको बता रहे हैं, और ये खुलासा किसी और ने नहीं बल्कि खुद पाकिस्तानियों ने ही पाकिस्तान और पाकिस्तान के हुक्मरानों को लेकर किया है। साथ ही साथ इस मुद्दे पर आप लोग मेरा भारत महान कहना मत भूलिएगा, और साथ में वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। जो भी
खबर देख रहे हैं, साथ ही साथ अगली खबर बता दें, चीन ताइवान में फिर बड़ी तनातनी, पीएलए के 32 लड़ाकू विमानों ने की बहुत बड़ी घुसपैठ की बड़ी कोशिश। जी हां, चीन और ताइवान के बीच लगातार तनातनी चल रही है। बुधवार और गुरुवार सुबह को चीन की सेना ने ताइवान की सीमा में घुसपैठ की कोशिश की, हालांकि ताइवान की सेना ने भी इसका जवाब दिया। ताइवान के रक्षा मंत्रालय ने गुरुवार को बयान जारी करके बताया कि 32 चीनी लड़ाकू विमान 20 से 21 मार्च को सुबह करीब 6 बजे ताइवान की सीमा के करीब देखे गए। साथ ही चीन की नौसेना के 5 युद्धक जहाज भी ताइवान की सीमा के नजदीक देखे गए। विश्व युद्ध के बाद सबसे बड़ी तैयारी बताई जा रही है इसकी। चीन ने साल 2027 तक ताइवान पर कब्जे की तैयारी को पूरा करना शुरू कर दिया है। अमेरिकी नौसेना के शीर्ष एडमिरल ने बड़ा खुलासा किया है कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद ऐसा पहली बार हो रहा है कि कोई देश इतने बड़े पैमाने पर सैन्य और परमाणु हथियार तैयार कर रहा है। यह इस बात का पूरा संकेत है कि चाइना साल 2027 तक ताइवान पर हमले की योजना पर पूरी तरह से कायम है। चीन का सामना कर रहे अमेरिका के इंडो पैसिफिक कमांड के कमांडर एडमिरल जॉन अकईलिनो ने अमेरिका की संसद को बताया कि चाइना ने आर्थिक चुनौतियों के बाद भी अपना रक्षा बजट में हाल के वर्षों में 16% का इजाफा किया है, जो अब बढ़कर $223 अरब तक पहुंच गया है। आखिर ताइवान को हर तरीके से निचोड़ने की कोशिश में लगा हुआ है चाइना। नेक्स्ट खबर बता दें, प्रधानमंत्री मोदी को रशिया और यूक्रेन से बड़ा न्योता। लोकसभा चुनाव के बाद पुतिन ज़ेलेंस्की दोनों ने मोदी जी को किया है इनवाइट। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जंग की आग में झुलस रहे रशिया और यूक्रेन ने अपने यहां आने का न्योता दिया है। व्लादिमीर पुतिन और वोलोडिमीर ज़ेलेंस्की दोनों ने ही प्रधानमंत्री मोदी को अपने देशों में आने का न्योता दिया है। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी ने बुधवार को रशिया और यूक्रेन के राष्ट्रपतियों से बात की। बातचीत के दौरान पीएम मोदी ने दोनों देशों के बीच शांति के लिए भारत की प्रतिबद्धता दोहराई। सूत्रों के मुताबिक यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमीर ज़ेलेंस्की और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन दोनों ने ही लोकसभा चुनाव के बाद पीएम मोदी को अपने अपने देश में आमंत्रित किया। जी हां, पीएम मोदी के ट्वीट के बाद ज़ेलेंस्की ने कहा, मैंने प्रधानमंत्री मोदी जी से बात की और यूक्रेन की संप्रभुता, क्षेत्रीय अखंडता, मानवीय सहायता और शांति फार्मूला बैठकों में सक्रिय भागीदारी के लिए समर्थन पर आभार व्यक्त किया। ज़ेलेंस्की ने कहा कि यूक्रेन भारत के साथ व्यापार और आर्थिक संबंधों को मजबूत करने में रुचि रखता है, विशेष रूप से कृषि निर्यात, विमानन सहयोग और फार्मास्यूटिकल और औद्योगिक उत्पाद व्यापार में हम काफी रुचि रखते हैं। साथ ही साथ दोनों ने पीएम नरेंद्र मोदी जी को चुनाव के बाद फिर से अपने अपने देश में इनवाइट किया है। ऐसे में नेक्स्ट खबर आपको बता दें, भारत से जंग के लिए पाकिस्तान को मिला चाइना मेड हैदर टैंक। एक्सपर्ट ने कहा, ये तो चाइनीज माल है, पाकिस्तान के पास तो है ही नहीं। तो वहीं भारतीय टैंकों की पुरजोर तारीफ की है पाकिस्तानियों ने। आपको बता दें, पाकिस्तानी सेना ने चाइना की मदद से टैंक तैयार किया है जिसका नाम हैदर है। ऐसा कहा जा रहा है कि ये भारत के खिलाफ प्रमुख वॉर टैंक होगा। पाकिस्तानी एक्सपर्ट कमर चीमा ने हैदर टैंक की क्षमता को लेकर आशंका जताई है कि क्या वाकई ये इतना ताकतवर है कि भारतीय सेना का सामना कर सके। उनका कहना है कि चीनी हथियारों की वॉर टेस्टिंग नहीं होती है, इसलिए चीन के डिफेंस इक्विपमेंट में क्वालिटी की दिक्कत रहती है। साथ ही उन्होंने भारत और पाकिस्तान के टैंकों की ताकत की तुलना की और ये भी कहा कि उनके मुल्क के पास डिफेंस आर्म्स के लिए चीन के अलावा कोई और विकल्प है ही नहीं। आखिर पाकिस्तान करे भी तो करे क्या। जी हां, कमर चीमा ने कहा कि चीनी प्रोडक्ट की क्वालिटी की दिक्कत रहती है क्योंकि इनकी टेस्टिंग होती ही नहीं है, की ही नहीं जाती। चीनी हथियारों की सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि ये वॉर टेस्टेड नहीं होते हैं और चीन की हाल के दिनों में किसी से कोई वॉर नहीं हुई। अगर ऐसा वार हुआ तो पाकिस्तान हाथ मलता रह जाएगा, इसीलिए इन हथियारों की टेस्टिंग होनी बहुत जरूरी है। साथ ही साथ दोस्तों, कमर चीमा ने भारतीय टैंकों की जमकर खूबियां बताई। उसने कहा कि भारतीय फौज के पास 3500 के करीब वॉर टैंक है जबकि पाकिस्तान के पास सिर्फ और सिर्फ 2400 के ही करीब है। भारत के पास 1000 से ज्यादा मिलिट्री टैंक है और पाकिस्तान के पास भी है, लेकिन वो बेकार होते जा रहे हैं। जैसे भारत के मुख्य टैंक में अर्जुन MBT है, ये थर्ड जनरेशन टैंक है जो स्वदेशी है। ये सिंगल एम्पटी यू मल्टी फ्यूल इंजन डीजल इंजन है जो इसकी स्पीड 67 किलोमीटर प्रति घंटा है। ये बड़ा टैंक है, कोई मजाक नहीं। इसी प्रकार से भारतीय टैंक की कमर चीमा ने जमकर तारीफ किया दोस्तों। पाकिस्तान के पास कोई ऑप्शन नहीं है चाइना के अलावा, ये भी बताया। और साथ ही साथ चीन का माल हर किसी को पता है, भारत से बेहतर तो कोई समझ ही नहीं सकता कि चाइना का माल फुस माल होता है, हर एक भारतीय जानता है, बच्चा बच्चा भी जानता है। बहरहाल अपने पड़ोसी को आप क्या सलाह देना चाहेंगे दोस्तों, इस मुद्दे पर बताइएगा जरूर। नेक्स्ट खबर बता दें, गुरुपतवंत सिंह पन्नून के मर्डर की साजिश गंभीर मसला। जी हां, भारत के साथ मिलकर कर रहे हैं काम, अमेरिका का सबसे बड़ा बयान। बता दें, अमेरिका ने बुधवार को कहा कि वो खालिस्तानी आतंकी गुरुपतवंत सिंह पन्नू को मारने की नाकाम साजिश में शामिल लोगों को जवाबदेह ठहराने के लिए पाकिस्तान के साथ काम कर रहा है। PTI के मुताबिक बुधवार को कांग्रेस की सुनवाई के दौरान दक्षिण और मध्य एशिया के सहायक सचिव डोनाल्ड लू ने कहा कि यह मुद्दा गंभीर है। डोनाल्ड लू ने सदन की विदेश मामलों की समिति के सदस्यों से कहा, यह एक गंभीर मसला है, संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत के बीच एक गंभीर मुद्दा बताया है इसको। ऐसे में आप क्लियर देख सकते हैं कि अमेरिका से बैठ के, कनाडा से बैठ करके ये गुरुपत
जसवंत सिंह खालिस्तानी आतंकी भारत को धमकियां देता है, जलाने की धमकियां देता है, उड़ाने की धमकियां देता है, मारने की धमकियां देता है, गायब कर देने की धमकियां देता है, वो चीजें अमेरिका को कनाडा को नहीं दिखाई दे रही, लेकिन उस पर सिर्फ हमले की कोशिश ही की गई, न जाने किसने कोशिश की, लेकिन भारतीय को फंसाया जा रहा है। पर अमेरिका सिर्फ कोशिश पर ही इतना बड़ा एक्शन ले रहा है दोस्तों कि लगातार बाइडेन का डिपार्टमेंट इस मुद्दे को गरमाया हुआ है, जबकि गुरपतवंत सिंह पन्नू का आतंकवादी वाला नेचर दिखाई नहीं दे रहा। इस पर आप क्या जवाब देना चाहेंगे दोस्तों? दोहरी नीति के लिए अमेरिका को क्या कहना चाहेंगे बताइएगा जरूर। साथ ही साथ अंतिम खबर आपको बता दे, जहां सीएम केजरीवाल को दिल्ली हाईकोर्ट से लगा तगड़ा झटका, गिरफ्तारी से बचाने वाली याचिका खारिज। जी हां, दिल्ली हाईकोर्ट से सीएम केजरीवाल को बड़ा और तगड़ा झटका लगा है। गुरुवार को कोर्ट ने कहा कि उन्हें गिरफ्तारी से राहत नहीं मिलेगी। दरअसल ईडी के समन पर केजरीवाल पूछताछ के लिए नहीं पहुंच रहे थे। उन्होंने कोर्ट से इस बात की श्योरिटी मांगी थी कि अगर वो पूछताछ के लिए जाते हैं तो उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। इस पर कोर्ट ने कहा कि समन के जवाब में केजरीवाल को ईडी के सामने पेश होना होगा, उनकी गिरफ्तारी पर रोक नहीं है। ईडी के समन के मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट ने ईडी से सबूत मांगे। इसके बाद ईडी के अधिकारी सबूत लेकर जज के चैम्बर में पहुंचे हैं। सबूतों की फाइल को अब जज देख रहे हैं। माना यह जा रहा है कि सबूत देखने के बाद जज आज ही इस मामले में कोई और बड़ा फैसला सुना सकते हैं। लेकिन गिरफ्तारी से बचाने वाली याचिका को कोर्ट ने पूरी तरीके से खारिज कर दिया है, यानी कि गिरफ्तारी भी केजरीवाल की हो सकती है और इससे कोई नहीं बचा पाएगा। बहरहाल केजरीवाल भी कोशिश में लगे। इस पर आपकी जो भी राय हो, साथ ही साथ ये थी अभी की सारी बड़ी खबरें। आपको खबर कैसी लगी? आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। थोड़ी भी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद कहना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।